दोस्तों, ये एयरवाइज है कि डीजल स्मोक मीटर है। अब हम इसका ऑनलाइन पीयूसी टेस्टिंग देखेंगे इस गाड़ी के ऊपर। हमने ऑलरेडी, ये इसका रिमोट है जो कनेक्टेड है, ये इसका मैग्नेटिक सेंसर है, ये हम पहले, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की साइट है, आप देख सकते हैं। पहले हम गाड़ी नंबर डालेंगे, जैसे आप गाड़ी नंबर डालोगे सारी डिटेल्स आ जाएगी, ओनर का नाम, गाड़ी की डिटेल्स सारी आ जाएगी। हम अभी गाड़ी का फोटो कैप्चर करेंगे। गाड़ी का फोटो कैप्चर हो गया, अभी हम पीयूसी टेस्टिंग करेंगे। ये हम पहले फ्लश आरपीएम निकाल आरपीएम करेंगे, 3 फ्लश आरपीएम लेने हैं हमको। मशीन कब आपको एक्सेलरेट करना है और रिलीज करना है ये मशीन आपको बताएगी। ये 3 फ्लश रीडिंग हो गए, अभी मशीन अपने आप को ज़ीरो कैलिब्रेट करेगी। इसके बाद हमको एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट पाइप डालना है गाड़ी के, और फिर 3 रेस करके हमें रीडिंग मिल जाएगी। अभी मशीन हमको बोलेगी कब हमको पाइप एग्जॉस्ट में डालना है। ये देखिए कह रही है फिक्स द एग्जॉस्ट पाइप एंड देन प्रेस ओके। अभी हमने पाइप डाल दिया है एग्जॉस्ट में, ये हम ओके करेंगे। अब ये कह रहा हमको रेस करने के लिए। जैसे हमें कहा कहेगा नाउ रिलीज, तो हमें रिलीज कर देना है। ये देखिए हमारा रीडिंग हो गया है, HFC वैल्यू आई है 2.3% और कोई K वैल्यू है जो हम कोएफिशिएंट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ये आई है 0.05। अभी हमें ये मीटर ले लेना है, कंप्यूटर के पास जाना है और हमें मशीन वैल्यू को रिट्रीव करना है। ये देखिए ये के वैल्यू यहाँ आ गई है, हम जो हमारी इस रिमोट पे भी जो वैल्यू है 0.05, वही के वैल्यू यहाँ आ गई है, आप देख सकते हैं। हम टेस्ट जो हमने की उसका रिजल्ट भी हम देख सकते हैं, सारे एक्सीलरेशन ये आप देख सकते हैं, क्या हमने रेस की है, सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। हमको इसको सबमिट करना है, सबमिट करके इसको सेव करना है, सेव करके हम इसका प्रिंटआउट लेंगे। ये इसकी प्रिंट है, इसका हम आप प्रिंटआउट निकाल सकते हो यहाँ से। ये सारी डिटेल है गाड़ी की,
ये रीडिंग है, गाड़ी पास है, ये सारी रीडिंग आ गई। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।